तो भाई इमेजिन करो कि गोजो वर्सेस एवेंजर्स में फाइट हुई तो कौन इस बैटल को विन करेगा। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम गोजो सातोरू की, जिसको हराना किसी और कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब गोजो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करता है तो वो बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। और अगर तुमको गोजो की पावर्स के बारे में अच्छी तरीके से नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो देखो, जब गोजो पैदा हुआ था तब पूरा जेजेके यूनिवर्स अनबैलेंस हो गया था। अगर अभी भी नहीं समझे तो देखो, गोजो के पैदा होने से पहले कर्सेस और सॉर्सर्स की पावर एंड एबिलिटी बिल्कुल इक्वल थी, बट गोजो के पैदा होते ही कर्स एनर्जी कम हो गई और सॉर्सर्स की एनर्जी काफी ज्यादा एनहेंस हो गई। और इसका कारण था गोजो की सिक्स आइज और लिमिटलेस टेक्निक, जिसकी वजह से गोजो किसी भी तरह की कर्स एनर्जी को फील कर सकता है। और अगर पावर्स की बात करें तो गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, और भाई कोई नॉर्मल ह्यूमन इसे देख तक नहीं सकता अपनी आंखों से। और गोजो के पास सिक्स आइज होने की वजह से वो अपने अपोनेंट के कर्स एनर्जी लेवल को देख सकता है, और गोजो को ये भी पता लग जाता है कि उस पे कहां से अटैक होने वाला है। इसकी मदद से गोजो अपने अपोनेंट्स के अटैक को डॉज कर लेता है। और हमने सीजन 1 में देखा भी था कि जोगो गोजो को छू तक नहीं पाया था, यहां तक कि उसके फायर अटैक्स भी गोजो को छू तक नहीं पाए थे। और अगर गोजो फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाए तो वो अपने आप को आरसीटी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर सकता है। और तो और गोजो के पास इन्फिनिटी है, जो कि उसकी बॉडी को चारों तरफ एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करती है। इसकी वजह से कोई वेपन या फिर कैरेक्टर उसको छू तक नहीं पाता। और इसकी मदद से गोजो अपने और अपने अपोनेंट के बीच के डिस्टेंस को इन्फिनिटी बना देता है, जिसकी मदद से अपोनेंट का कोई भी अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं पाता, बट गोजो खुद उस एनिमे को छू सकता है। और गोजो के अटैक्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और अब बात कर लेते हैं गोजो के अटैक्स की। सबसे पहले कर्स टेक्निक एम्पलीफिकेशन, इस अटैक को यूज करते समय गोजो अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर लेता है और एक ब्लू कलर के ब्लैक होल टाइप की एनर्जी को क्रिएट करता है। और ये अटैक अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। और गोजो का सेकंड अटैक है रिवर्सल रेड, जो कि ब्लू अटैक का उल्टा है। इसको यूज करते समय गोजो एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है और ये अपने अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल शॉक वेव को भी क्रिएट करता है, और इस शॉक वेव के एरिया में जो भी चीज आती है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो गोजो का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो है होलो पर्पल। इस अटैक को गोजो तब यूज करता है जब उसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होता है, और इस अटैक से बचना किसी भी अपोनेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अटैक अपने सामने आने वाली हर चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। और तो और गोजो के पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स भी हैं, और गोजो की स्पीड के बारे में तो तुम्हें पता ही है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, तुमने सीजन 2 में देखा ही होगा जब माहितो हजारों कर्स स्प्रिट्स को आजाद कर देता है, तब गोजो अपनी स्पीड से उन कर्स स्प्रिट्स को 299 सेकंड्स में खत्म कर देता है। तो अब तुम गोजो की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा फास्ट है। और अब गोजो की लास्ट एंड सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके मदद से गोजो अपने ओपोनेंट को डोमेन में ट्रैप कर लेता है, और फिर डोमेन में ओपोनेंट का हिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर गोजो अपने ओपोनेंट को इजीली मार देता है। और हमने जोगो के साथ देखा भी था, जब गोजो ने जोगो को अपने डोमेन में ट्रैप कर लिया था तब जोगो अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स की। अगर गोजो एवेंजर्स से फाइट करेगा तो गोजो लो पावर एवेंजर्स लाइक हॉकआई, ब्लैक विडो, फैल्कन, कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन, लाइक इन सारे एवेंजर्स को गोजो एफर्टलेसली हरा देगा, क्योंकि गोजो इतना ज्यादा फास्ट है कि ये लो लेवल एवेंजर्स इसको देख तक नहीं पाएंगे, और आधे से ज्यादा एवेंजर्स तो यहीं मारे जाएंगे। और अब बात रही हॉर, हल्क, आयरन मैन की, तो ये तीनों भी गोजो को छू नहीं सकते, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी उसको बचा लेगी। इसलिए तीनों कितने भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर लें, इनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन गोजो को इन तीनों को हराने के लिए थोड़ी बहुत फाइट करने पड़ेगी। अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की मदद से थॉर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है, और हल्क एक मॉन्स्टर, उसको सिर्फ डिस्ट्रक्शन मचानी है। उसको जितना ज्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। एंड देन आयरन मैन अपने आर्मर की मदद से गोजो से फाइट कर सकता है, इसलिए गोजो अपने होलो पर्पल का यूज करेगा और अपने इस अटैक की वजह से ये तीनों एवेंजर्स को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा। और इन सब के बाद गोजो की फाइट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा से, और ये दोनों एमसीयू के बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसके पावरफुल स्पेल्स हैं, वहीं वांडा के पास उसकी डार्क पावर्स हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स गोजो को अपनी पावर से शायद हरा सकते हैं, क्योंकि अगर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिल जाए तो वो गोजो को रियलिटी से ही मिटा सकती है। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गोजो की सिक्स आइज और इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की वजह से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी सिंगल अटैक गोजो पर नहीं लगेगा, क्योंकि गोजो अपनी सिक्स आइज की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की पावर लेवल्स को जान लेगा, और फिर उनके अटैक करने से पहले गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा। और अगर इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा फंस गए तो उनका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ये दोनों भी मारे जाएंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।